अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका विद रूबी। आज मैं लाजवाब, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये रियल में इतनी टेस्टी और इतनी स्पाइसी है कि आप अगर इसे एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। तो देखते हैं, इस लाजवाब चिकन बिरयानी को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 1.5 kg 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने, जिसे मैंने गर्म पानी से बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। ये मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून लौंगी मिर्च पाउडर है। अगर आपके पास लौंगी मिर्च का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन चिल्ली भी पीस के डाल सकते हैं। 3 तेज़ पत्ते हैं, 3 दालचीनी की स्टिक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, और इसमें 1 टीस्पून जीरा है, 1 डोडा है, बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 4-5 लौंग है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है क्रश किया हुआ। ये 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिसे मैंने पहले से ही बना के रख रखा है। ये एक बड़े साइज का टमाटर है, रफली चॉप किया हुआ। ये 5 हरी मिर्च है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, और ये 2 प्याज है, इनका मैं फाइन पेस्ट बनाकर रख लूंगी। ये एक बड़े साइज का प्याज है, स्लाइस कट किया हुआ फ्राई करने के लिए। ये 1 टेबल स्पून देसी घी है। ये एक हरी मिर्च है, फीकी वाली, या ऑप्शनल है, मैं इसे डाल रही हूँ इसलिए इसे दिखा रही हूँ। और ये 1 कप ऑयल है बिरयानी बनाने के लिए। ये 1 कप दही है, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। ये 2 टीस्पून रोज वाटर है, और ये 1/2 टीस्पून जर्दे वाला रंग, फूड कलर है ये, इसमें ऐसे मिक्स कर दूंगी। 750 ग्राम 750 ग्राम मैंने ब्राउन राइस लिया है, सेला चावल है ये। अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लूंगी। देखिए, मैंने इसे 3-4 पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने इसमें 5 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। मैंने इसे फुल फ्लेम पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। ये 2 टीस्पून नमक है, और इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी डाल दूंगी, और इसे फुल फ्लेम पे बॉईल आने तक पका लूंगी। ये देखिए, ये कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है। हमें इसे ओपन ही बॉईल करना है, हमें इसमें लिड नहीं लगानी है। ये देखिए, अब इसमें चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मैं इसमें एक चावल ऐसे उठाकर देख लूंगी। ये देखिए, अभी इसकी 1 कन बाकी है, जो वो दम लगाने में हो जाएगी। अब मैं इसे छान के एक तरफ रख लूंगी। ये देखिए, स्ट्रेन हो चुके हैं, कैसे इनका एक एक दाना एकदम खिला खिला है अलग अलग। अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूंगी 1 गिलास ठंडा पानी, जिसमें हमारे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। ठंडा पानी डालना इनमें बहुत ज़रूरी है। अब मेरे बॉयल्ड राइस, उबले हुए चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं बिरयानी का मसाला बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। एक पतीला रख दिया है मैंने गैस पे गर्म होने के लिए। ये वही पतीला है जिसमें मैंने अपने चावल बॉयल किए थे। अब मैं इसमें सबसे पहले ऑयल डाल दूंगी। गरम हो गया है ऑयल। अब मैं इसमें सबसे पहले ये प्याज डाल दूंगी, जो मुझे फ्राई करने हैं। ये देखिए, ऑनियन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी इस ऑयल से। अब मैं इस ऑयल में मोटा गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये देखिए, क्रैकल हो गया है हमारा गरम मसाला। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें ओनियन प्यूरी भी ऐड कर दूंगी, जो मैंने बना ली थी। और इसमें मैं डाल दूंगी ये नमक, धनिया, हल्दी और लौंगी मिर्च वगैरह। और अब इन सबको आपस में मिक्स कर लूंगी और बहुत अच्छे से भून लूंगी इनको। फुल फ्लेम पे इन्हें चम्मच चलाते हुए ऐसे भून लेना है। हमारी बिरयानी काफी स्पाइसी बनेगी, इसलिए मैंने इसमें इतना मसाला ऐड किया है। लगातार फुल फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए अब मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी, जिसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फेंट के रख लिया था, और दही को भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दही डाल के भी मैंने इसे बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन पीसेस, इनको भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
ये देखिए सारे चिकन पीसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। मैंने इन हरी मिर्चों को काट के डाला है। आप इसे मसाले में पीस भी सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा ग्लास पानी। अब मैं इसमें लिड लगाकर इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लूंगी, जिसमें हमारे चिकन पीसेस इसमें अच्छे से गल जाएं। दस मिनट हो चुके हैं इसे लिड लगा के पकते हुए। ये देखिए अब चिकन पीसेस इसमें टेंडर हो चुके हैं। फुल फ्लेम पे अब मैं इसे भून लूंगी थोड़ा सा, जिसमें इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। मैं इसमें अब टमाटर ऐड कर दूंगी और ये फीकी वाली हरी मिर्च जिसे मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है, इसे भी यहाँ पर डाल दूंगी। अब इन्हें फुल फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने दूंगे, जिससे इसमें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। इसे फुल फ्लेम पे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें यहाँ पर चावल ऐड कर दूंगी, जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया था। मैंने इसमें सारे चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इन्हें ऐसे हल्के हाथों से नीचे से ऊपर ऐसे पलटती जाऊंगी। सारे चावल इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूंगी देसी घी, ये होममेड है, और उसके बाद मैं इसमें ये गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी, और उसके बाद ये फ्राई हुआ प्याज भी यहाँ पर डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। हरा धनिया ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सबसे लास्ट में मैं इसमें ये फूड कलर ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें रोज वाटर का यूज किया है, आप इसमें केवड़ा वाटर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे लिड लगाकर स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लूंगी, जिससे इसमें बहुत अच्छी भाप आ जाए और हमारे बिरयानी में बहुत अच्छा दम लग जाए। पांच मिनट हो चुके हैं इसे स्लो फ्लेम पर लिड लगा के पकते हुए, और ये देखिए इसमें कितने अच्छे से दम भी आ गया है। आप इसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म लाजवाब जायकेदार चिकन बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। हमको इसे एक साइड से और बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है। ये देखिए मेरी गर्मा गर्म टेस्टी चिकन बिरयानी, ये वाकई में इतनी टेस्टी है कि आपको इसको खाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी, ना कचूमर की, ना रायते की, ना चटनी की, आप बस वैसे ही इसको खाते चले जाएंगे। ये रियल में बहुत टेस्टी है। आप मेरी इस चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये स्पाइसी मसालेदार चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।